पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होने के विरोध में ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और हवन की व्यवस्था अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा की जा रही है और ये पूरा धरना प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण है। प्रशासन से हम मांग करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो। सियापति रामचंद्र की जय। सिद्धू हनुमान की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय लोगों को जानकारी है हमारे कार्यकर्ता मोनू विश्वास जिन्होंने गोकशी की घटना की सूचना पुलिस को देते रहते हैं और उन्होंने एक दिन और 28 जनवरी को पुलिस को गोकशी की सूचना दी। पुलिस और वो साथ साथ पहुँचे जबकि पुलिस ने सूचना देने वाले कार्यकर्ताओं को कुछ दो कसी में फंसा करके जेल के अंदर डाल दिया। उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए सरकार के विरुद्ध काम कर रही है यहाँ की पुलिस। सरकार की मंशा गो बचाने की है और इस प्रशासन की गाय को कटवाने की है। यहाँ बहुत सारे दुर्दान जो गोकस है वो घूम रहे हैं खाली। उनकी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी जाती, कभी नहीं पकड़े जाते। अभी सिविल लाइन में घटना हुई, कोई घटना का खुलासा नहीं करा और जिन लोगों ने सूचना दी हमारे कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, उनको ही जेल में डाल दिया ताकि उनका जो काम था गोकशी कराने का पुलिस प्रशासन का वो अवरुद्ध ना हो। उन्होंने अपने निष्कंटक रास्ता बनाने के लिए सरकार के विरुद्ध में काम करने के लिए सरकार की मंशा खराब जो मनसा है उसके विरुद्ध काम कर रही है। ये सरकार को ही बदनाम करवा रही है यहाँ की पुलिस। पूरे प्रांत के अंदर मुरादाबाद की पुलिस एक अकेली ऐसी पूरे प्रांत के अंदर इनकी बातें जा रही है और ये जानबूझ करके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ हवन करने के लिए बैठे पूरे दिन भरे में हम यहाँ आंदोलन के रूप में बैठेंगे। अगर हमारी मांग मानी नहीं जाती तो हम इसको अनिश्चितकालीन करेंगे। आज सर आपने पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और कहा था कि हमारे पास पुख्ता एविडेंस है, उसे आपने चैलेंज किया क्या? हाँ, हम कोर्ट जा रहे हैं ना, हम मुकदमे वापस करने की मांग कर रहे हैं क्या जी? हमने कहा हमारा व्यक्ति दोष मुक्त होकर निकलेगा परंतु इस उस पुलिस को भी तो सजा मिलनी चाहिए जिसने गलत तरीके से फंसाया। उनके पास अगर एविडेंस होते तो वो देते ना। आ गया आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। वो किसी की घटना रात के 28 तारीख की FIR कर रहे हैं 29 तारीख में, तो 29 तारीख में तो पुलिस तो खुद ही कल्प्रिट है इसमें। बस अगर इसको कोई कार्रवाई नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप आप देखो जा रहे हैं। पहले हमने एक बार ज्ञापन दे चुके, दूसरा स्टेप हमारा हवन का। आज हम यहाँ सब धरने पर बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब के साथ और बैठे, इनसे भी हमने बात करी थी। अगर हमारी बात नहीं मानी मैं बिल्कुल हवन पे बैठा हूं। आपका आंदोलन का आंदोलन के 20 प्रकार है हमारे पास। क्या नाम? हवन को नोरा। हवन पे बैठा हूं। जितेंद्र चौधरी है, मैं प्रांत सहमंत्री हूं विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।